सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर इन्फिनिक्स अपने काफी सारे बजट रेंज वाले स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च कर रहा है इंडिया में, और यहाँ पर लगभग 2 से 3 महीने में इन्फिनिक्स अपने 3 से 4 स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च कर चुका है, जो कि जिसमें आपको अंडर 10,000 10,000 के नीचे आपको काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अभी तक यहाँ पर किसी भी स्मार्टफोन में हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिले थे। और दोस्तों, यहाँ पर कल इन्फिनिक्स ने अपना एक और नया स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसका नाम है इन्फिनिक्स S5 लाइट। और दोस्तों, यहां पर मैं आपसे बता दूं कि इन्फिनिक्स S5 लाइट के लॉन्च करने के बाद यहां पर इन्फिनिक्स S6 की जो लीक्स है वो यहां पर निकल कर के आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगर बात करता हूं यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन की, तो लगभग 1 महीने के बाद ही यहां पर इन्फिनिक्स S5 के आने के बाद इन्फिनिक्स S5 लाइट यहां पर आ गया है, और यहां पर इन्फिनिक्स बहुत ही जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर अपना फिर से एक नया स्मार्टफोन यहां पर लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है यहां पर इन्फिनिक्स S6। अब दोस्तों, यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो आपको यहां पर अंडर 10,000 फिर से यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 10,000 से नीचे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और इसमें आपको एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि अभी तक यहाँ पर किसी भी स्मार्टफोन में हमें देखने के लिए नहीं मिला है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 10,000 के अंदर के स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर इन्फिनिक्स के S6 में देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर इसके ऊपर आज एक अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है, और दोस्तों यहाँ पर लीक्स से पता चला है कि यहाँ पर इन्फिनिक्स अपने S6 को यहाँ पर लॉन्च करने जा रहा है। बात करता हूँ यहाँ पर इस स्मार्टफोन की और भी डिटेल की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको यहाँ पर 2020 यानी 2020 में यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है, यानी लगभग 1.5 महीने के बाद यहाँ पर इन्फिनिक्स S6 यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर इन्फिनिक्स S5 लाइट और इन्फिनिक्स S5 का अपग्रेडेड वर्जन ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर एक और अपडेट आई है कि इन्फिनिक्स यहाँ पर 2020 में अपने पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन और इसके साथ साथ यहाँ पर अपने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाले काफी सारे स्मार्टफोन को यहाँ पर 10,000 के नीचे बजट रेंज में यहाँ पर लॉन्च करने वाला है 2020 में। और दोस्तों, फाइनली यहाँ पर देखना यह है कि ये जो स्मार्टफोन है कब तक यहाँ पर इंडिया में निकल कर के आता है, और अगर यहाँ पर इन्फिनिक्स अपने बजट रेंज में पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन को और यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स वाले स्मार्टफोन को अगर यहाँ पर ला देता है अगर 2020 में, तो इन्फिनिक्स सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर जो कंपनियां हैं उनसे काफी आगे यहाँ पर निकल जाएगा बजट रेंज वाले स्मार्टफोन के मार्केट में। अब दोस्तों, फाइनली देखना यह है कि ये स्मार्टफोन कब तक यहाँ पर निकल करके आते हैं और कब तक इस स्मार्टफोन के सभी फीचर जो है वो यहाँ पर इन्फिनिक्स तरफ से कंफर्म किए जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर वेट करते हैं यहाँ पर इन्फिनिक्स तरफ से फाइनली अपडेट आने का इन्हीं काफी सारे स्मार्टफोन का। दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी उस समय आगे होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जो कर दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।